सर, नमस्कार मैम। भारतीय नमस्ते सर। परंपरा की एक विद्या रही है अंग शास्त्रों की। काल गणना के आधार पर हमारे ऋषि मुनि इसका विवरण करते थे। आदि अनादि काल से हमारा जो काल गणना चल रही है वो चाइनीज पद्धति तो बाद में आई होगी जहां तक संभव है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने जो एक ही हमको विद्या दी थी, जो कल आपके माध्यम से बताया गया था, समुद्र मंथन से हमको जो कश्यप सूत्र से प्राप्त हुआ था उसके ऊपर नंबर लिखे हुए थे, उसी के माध्यम से हमने इस विद्या का आपके माध्यम से कुछ लाभ उठाना चाहा है और आगे भी आपसे उम्मीद है कि हम कि इसका लाभ उठाते रहेंगे। ठीक है, जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े और जो ये कह रहे हैं कि ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी, तो ये बताइए कि ये क्या है। ये असुर है और ये देव है। इन दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था क्योंकि लक्ष्मी जी को वापस ला सके, और विष्णु जी ने प्रॉमिस दिया था कि जब भी कभी समुद्र मंथन के दौरान जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। और विष्णु जी ने टर्टल का रूप धारण किया था, कछुए का रूप धारण किया था, जिसकी हम हर एक लोग घर में पूजा करते हैं। ये है हम सभी के घर में, और इसके पीछे ये जो यंत्र है, ठीक है, ये हमारा लक्ष्मी यंत्र है, जिसे हम लोशु ग्रिड बोलते हैं। ओके, तो ये विद्या हमारी है। चलो आज ना थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं, और आप लोगों के जो भी मिथ है उसे तोड़ते हैं। मुझे ये बताया चैट में कि आज तक आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या क्या सुना हुआ है, क्या क्या मिथ है और क्या क्या रियलिटी, वो भी मैं बताऊंगी। तो थोड़ा सा चैट में लिखते जाइए या तो बताते जाइए, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी 5 मिनट पहले ही मेरी एक फैमिली पर्सन से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारे घर पर बच्ची का जन्म हुआ है और उसका नामकरण करना है, तो मैंने उनको यश नाम दिया था, और उन्होंने कहा था कि एसिड साउंड जो है वो अच्छा नहीं होता। कितने लोग मानते हैं कि एसिड साउंड जो है अच्छा नहीं होता? कितने लोगों ने सुना हुआ है कि एसिड साउंड जो है अच्छा नहीं होता? बताइए। आरती जी ने सुना है, वेदिका जी ने सुना है कि अच्छा नहीं होता, नीता जी ने सुना है, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, हमारे भगवान जी के नाम कुछ बताओ, कौन बताएगा हमारे भगवान जी के नाम? हमारे सबसे बड़े देवाधिदेव, उनका नाम कौन बताएगा? शिवा। ओके, देखो सक्सेसफुल हर लोग होते हैं, ओके, नो डाउट। गणेश जी, शिव जी, कृष्णा जी, शाहरुख खान, ओके, शिव और शक्ति, ओके, सब में एसिड साउंड आता है। एसिड साउंड कब आपको दिक्कत देता है और क्यों देता है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो एसिड साउंड बिल्कुल भी गलत नहीं होता। अगर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 नंबर पर है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 नंबर पर है, यानी कि सूर्य और शनि पर है, तब जाकर एसिड साउंड आपको प्रॉब्लम करेगा, पर तब जब आपका नाम एसिड से शुरू हो रहा होगा, ठीक है? क्यों? एस जो होता है उसकी पोजिशनिंग 1 होती है, और एच जो होता है उसकी पोजिशनिंग 8 होती है। ऑलरेडी आपके नाम में दो तत्व मिल गए हैं, एक तो वाटर एलिमेंट और एक आयरन एलिमेंट। अगर लोहे पर पानी लग जाए तो क्या होता है? जंग लगता है, राइट? सेम थिंग एलिमेंट बेस के थ्रू हमारी लाइफ में भी ये सारी चीजें इंपैक्ट होती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि 1 और 8 अच्छा नहीं होता। पोजिशनिंग भी एस की और एच की 1 और 8 पर होती है, इसीलिए उसे मना किया जाता है। पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 है तो ही, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वरना शाहरुख खान शाहरुख खान नहीं होता, शिव जी नहीं होते, कृष्णा जी नहीं होते, गणेश जी नहीं होते। अभी बहुत सारे लोग चैट में ये भी लिखेंगे कि उन लोगों की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल थी, हेल्थ इश्यूज थे। अभी मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ बोल रही हूँ कि हेल्थ इश्यूज कितने लोगों के घर पे नहीं है, बताओ कितने लोगों के घर पर हेल्थ इश्यूज नहीं है, बताओ। एसएच नाम हो या ना हो, हेल्थ इश्यूज तो होने वाले हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, बिना एसएच के भी हेल्थ इश्यूज आते हैं।
ओके, हमारे घर पर एक मेडिसिन का बॉक्स है जो डे बाय डे बढ़ता जाता है, उसमें एसएच की कोई गलती नहीं है। ओके, तो चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, और प्लीज अपने अपने चेहरे दिखा दीजिए, सुंदर सुंदर चेहरे दिखा दीजिए, ताकि हमें भी पढ़ाने में जोश आ जाए, वीनस बन जाइए, सैटर्न बनकर ना रहे। अरे वाह, क्या मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं मुझे, ये हुई ना बात। ओके, अभी मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। ओके ठीक है, चलो आज कौन से नंबर से हम शुरू करेंगे? शिल्पी जी, मेरी साइड से तो कुछ भी नहीं बंद है, आप ऑन कर दीजिए वीडियोस। ओके, कल हम 1, 2 एंड 3 नंबर सीख चुके हैं, जितने भी लोगों ने 1, 2 एंड 3 मिस किया है, प्लीज जाकर कल का वीडियो एक बार से देख ले, क्योंकि 1, 2 एंड 3 सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे नंबर 4 से, राइट, 4 नंबर से। नो राहु। अच्छा, राहु के बारे में बताइए, राहु के बारे में आज तक क्या क्या सुना हुआ है? राहु के बारे में आज तक आप लोगों ने क्या क्या सुना हो बताइए। बिगड़े हुए बच्चे, जिद्दी, ओनली हैड, मूड स्विंग्स, लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, अपने मन का मालिक, बहुत सारी चीजें आज तक राहु के बारे में सुनी हुई है। पर मैं आज आप लोगों के साथ कुछ चीजें ऐसी शेयर करना चाहूंगी जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। ओके, फटाफट से ना चैट ऑन ही रखना, मैं बहुत सारी चीजें आपको पूछने वाली हूँ, आप ही के थ्रू पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट कैसे वर्क करता है। ओके, राहु कैसा प्लैनेट होता है, कौन बता सकता है? ओके, दिस इज नॉट अ वास्तु क्लास, सो प्लीज वेट। ओके, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसने हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को 100 सदी आगे कर दिया। अभी आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे, आप पहले ऐसे हो जो ऐसी बातें करते हो, ठीक है। सुबह उठकर क्या करते हो? एसी बंद करते हो, हाथों में मोबाइल लेते हो, किचन में जाकर चाय बनाते हो, हाँ या ना, या कोई नहीं करता? या आज भी आप सुबह उठकर वो लकड़ी का वो ब्रश आता है वो करते हो, फिर वो लकड़े पर चाय बनाते हो, ऐसा कोई करता है तो बताओ? तो मैं मानूंगी कि आप ना राहु राहु के खिलाफ हो, हाँ ना, करते हो या नहीं? हाँ हाँ करो, ना ना करो, कुछ तो करो, मुझे ऐसा लगता है सामने सारे रॉबर्ट बैठे हुए हैं, है कि नहीं? ओके, फिर चाय गर्म करते हो, और क्या करते हो फिर रूटीन? ओके, खाना बनाते हो, बच्चों के टिफिन करते हो, जितने मेल है जो गाड़ी लेकर जाते हैं अपनी 2 व्हील 4 व्हील पर, तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? राहु की बदौलत जितना भी इंजीनियरिंग है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जितना भी डिजिटल वर्ल्ड है, ये सारी की सारी राहु की देन होती है। ओके, अगर राहु नहीं होता तो आप सेविंग्स नहीं कर पाते, अगर राहु प्लेनेट नहीं होता तो आप इतना जो टेक्निकली डिजिटली यूज कर रहे हो, जो हम जूम पे बात करें वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो जितने भी हमें 100 इयर्स जो हमें आगे लेकर गया है, पता है ना, वो छोटा वाला फोन आता था जिस पर आउट गोइंग का भी 100 रुपीज लगता था, उससे अभी हम एंड्रॉयड में आ गए। जितना मर्जी चाहे यूट्यूब कर लो, जितना मर्जी चाहे कॉल कर लो, जितना मर्जी चाहे अपने बेटे से अमेरिका में बात कर लो, तो ये सारी चीजें किसने दी? शार्प मेमोरी, राहु। ओके, अगर आपकी ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है तो आप लिख कर ले लो, आपकी इतनी सेविंग्स नहीं हो पाएगी जितनी 4 नंबर वालों की होती है। ओके, तो भगवान ने जितने भी प्लैनेट्स बनाए हैं, चिको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, समुद्र मंथन की स्टोरी हम सबको पता है। ओके, कि समुद्र मंथन हुआ था और विष्णु जी ने देख लिया था कि सूर्य और चंद्र के बीच में तो असुर जाकर बैठ गया था, और उन्होंने उनका गला काट दिया था, ठीक है। पर ये सारा करता हरता धरता तो भगवान ही थे, उनको तो पता ही था पहले से कि यहाँ पर दानव आने वाला है और यहाँ पर इसका वध होने वाला है।
करेक्ट, सारी चीजें तो पहले से ही ये लीला ही होती है भगवान की, पर फिर भी उन्होंने राहु और केतु क्यों बनाए? व्हाई ही मेक्स राहु एंड केतु? क्योंकि अमृत पीने के बाद हर एक प्लेनेट को अपने ऊपर अभिमान ना आ जाए, वो अपनी बुद्धि भ्रष्ट ना कर दे, अपने से ही मतलब कुछ गलती ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने राहु केतु बनाए। क्योंकि जहां पर राहु और केतु जिस भी राशि के साथ बैठ जाते हैं उसकी जो भी पावर होती है वो कम हो जाती है। ओके, समझ में आया? ये भगवान की ही देन थी, इसीलिए उन्होंने राहु और केतु को बनाया। रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो केतु होता है जो रिसर्च करवाता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है? दैर इज अ एक्शन, दैर इज अ रिएक्शन। कोई भी काम जिसका रिएक्शन आता है उससे कहते हैं रिसर्च। ओके, तो ये रिसर्च कौन करता है? नासा में हमारे जो साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट है, वो मून पर चले गए किसकी बदौलत? राहु और केतु की बदौलत। अगर वो रिसर्च ही नहीं होती तो जा पाते? हेलो, अग्री और नॉट? ओके, कोई भी प्लेनेट अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, अगर वो लिमिट में, अगर वो अच्छे से रहे तो। ओके, आज के बाद कभी भी कोई भी प्लेनेट को ये मत कहना कि राहु केतु शैतान ये सारे खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं, क्यों उसे लाइफ में नहीं लाना चाहिए, उसका भी रीजंस होते हैं। अगर आपका नंबर फोर है, अगर आपका नंबर फोर है और आप सॉफ्ट स्पोकन हो, और आप सॉफ्ट स्पोकन हो तो ये नंबर आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। अमित शाह पता है? ओके, श्री श्री रविशंकर महाराज पता है? उन सभी की डेट ऑफ बर्थ नंबर फोर है। शनि, शनि से तो हम बहुत परेशान रहते हैं, शनि की दशा आ गई हमारी लाइफ बिगड़ गई, कहते हैं ना ये। शनि कौन है पता है? हमारा नरेंद्र मोदी सर जो है वो 17 बॉर्न है, उनको तो शनि से परेशानी नहीं हुई, बस हम ही लोगों को होती रहती है कि नहीं? तो थोड़ा सा नजरिया बदलो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। क्लियर, समझ में आया? तो आज शुरू करेंगे नंबर फोर से। क्यों हम संकट चौथ मनाते हैं अगर चार नंबर खराब होता? क्यों जन्मा अष्टमी मनाते हैं अगर आठ नंबर खराब होता? ओके, तो आज सीखेंगे नंबर फोर से। तीन नाम कहाँ से है? ब्रह्मा विष्णु महेश, यहां से तीन नंबर की उत्पत्ति हुई। ओके, तीन नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई? मेन एनर्जी ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे जो गुण है, वो कितने गुण है? कल ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, नंबर वन, नंबर टू, आज तीन नंबर से सीखेंगे। सत्व, रजस और तमस। ओके, सत्व क्या कहता है? जो भी कुछ है वो देव का ही दिया हुआ है, अभिमान नहीं करना चाहिए। रजस क्या कहता है? जो भी है वो हमारा है, मेरा भी और आपका भी है। और तमस क्या कहता है? जो भी है सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। ओके, ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है, विष्णु जी जो प्रिजर्वर है, और शिवाजी जो डिस्ट्रॉयर है। ये सारी तीनों की तीनों चीजें यहां से तीन नंबर की शुरुआत हुई, सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण से। कल हम इसके लिए सीखे, देखो ये जो है ना इंजीनियरिंग, देखो ये है हमारा राहु, अगर ये पर्सन ही नहीं होता तो आज हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, चार वेदों से चार नंबर की शुरुआत है। ओके, चार दिशाओं से चार नंबर की शुरुआत हुई। हम कहते हैं ना न्यूज, न्यूज का नाम कहाँ से पड़ा? न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ओके, कैसा होता है? चार सीजन,
समर विंटर ऑटम स्प्रिंग, तो ये जो फोर सीजन, यहां से हमारे चार नंबर की शुरुआत है। डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इन लोगों को ना जो चीज जहां पर रखी होती है वहीं पर चाहिए रहती है। गुड सिंगर होते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर मैं आपको बताऊं कि कोरोना में सबसे ज्यादा जितने भी लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए ना, वो सारे के सारे फोर नंबर वाले थे। 90% फोर नंबर वालों ने बिजनेस स्टार्टअप किए, और फोर नंबर वाले जो कोरोना में थे उन्होंने अपने फैमिली को बचा लिया। क्यों, कैसे? क्योंकि जहां पर लोगों की सोच फिनिश्ड होती है वहां से राहु सोचना शुरू करता है। क्यों इतना शार्प होता है पता है? हमारी बॉडी में जितनी सेंस होती है ना, उसमें से चार सेंस राहु के पास है, आंख, नाक, कान, माउथ और स्किन। ओके, तो चार सेंस जो है वो राहु के पास होती है, इसीलिए वो पर्सन स्ट्रांग है। बट इसकी एक वीकनेस होती है। क्या होती है वीकनेस? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड? क्योंकि हम कहते हैं ना, बोलने से पहले 100 बार सोचा करो, किसी को हर्ट ना हो जाए। बस वो नहीं कर सकता राहु। क्यों? भगवान ने इसे दिल ही नहीं दिया है। ओके, भगवान ने यहां पर उसे डबल पावर दे दी है, तो इसीलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, दो बातें, दो फैक्ट बताऊंगी आज। एक, जो भी फोर नंबर वाले पर्सन होंगे ना, गलत चीजें उनके सामने पहले आएगी। जहां पर भी चोरी होती होगी, झूठ होता होगा, गलत किसी ने किया होगा, गलत चीजें ये लोग पहले पकड़ लेते हैं। सेकेंड, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 22 है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 22 है, तो ऐसे लोगों को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। इंट्यूशन पावर इनकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर बोल दिया जा तेरा सत्यानाश होगा, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। आप देख लेना आपकी फैमिली में अगर कोई फोर नंबर वाला होगा, तो आप मेरी बातों से रिलेट करोगे। ओके, और फोर नंबर की क्या क्या क्वालिटीज होती है? और अगर 13 हो तो 13, मैंने जैसे बताया कि सॉफ्ट स्पोकन बनना, ये सबसे बड़ी रेमेडीज। जैसे हमने 1, 2 एंड 3 का रेमेडीज देखी थी कि 1 नंबर है तो अथॉरिटिव रहेगा, अपनी चलाएगा। 2 नंबर होगा तो वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा, अपने लिए बॉर्डर लाइन सेट नहीं करेगा, बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाएगा। 3 नंबर वाला मांग नहीं सकता। वैसे ही 4 नंबर वाले को क्या रेमेडीज लगती है? सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए। ओके, मैम पीपीटी दिखा रहे? पीपीटी में बहुत इंटरेस्ट है, मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं होता, पीपीटी में इंटरेस्ट है। फोटो देखने में बहुत अच्छा लगता है मैम, बस फोटो दिखाते जाओ, है कि नहीं? एनी रेमेडीज फॉर गुस्सा? सबसे अच्छी रेमेडीज बताती हूँ गुस्से के लिए। ओके, जब भी गुस्सा है ना, एक चीज करो। देखो, हंसना हंसना मत, रेमेडीज बता रही हूँ। जब भी गुस्सा है ना, एक काम करो, मिरर के सामने चले जाओ, एक बार ट्राई करना, हंसी आ जाएगी। ये वही पर्सन है जो इतना गुस्सा कर सकता है। ये तो कितना प्यारा पर्सन है, ये तो कितना प्यारा लग रहा है, या लग रही है। ये गुस्सा कैसा कर सकती है? अपनी ही शक्ल देखकर ना गुस्सा सारा का सारा शांत हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना, जब भी गुस्सा आए ना, मिरर के सामने चले जाना, 2 मिनट में गुस्सा गायब। ओके, या तो दूसरी रेमेडीज बताओ, ऐसे 2 फिंगर करना। जब भी गुस्सा आता है ना, आप ऐसी सिचुएशन होती है ना कि गुस्सा आता है ना, तब आप कोई रेमेडीज नहीं कर सकते, कोई रेमेडीज तब नहीं काम आती। ऐसे 2 फिंगर करना, और ऐसे आपको ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? आपकी मदर टंग में, मदर टंग मतलब मातृभाषा, अगर आप गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज जो आप रूटीन में यूज करते हो, ऐसे आपको लिखना है। मैंने उसे माफ किया, मेरा कर्म अच्छा किया। मैंने उसे माफ किया और मेरा कर्म अच्छा किया। ओके, ये लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। गुजराती में बोलो, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, पर ऐसे करना, जब भी गुस्सा है, जब भी कुछ बोलने का मन करे। अगर बोलने का मन करे तो एक ही वर्ड यूज करना, सॉरी। क्योंकि 90% प्रॉब्लम, 90% जो भी लाइफ बिगड़ती है ना, वो गुस्से की वजह से बिगड़ती है। ओके,
क्रिस्टल जो आप लोगों को अगर पता हो तो क्रिस्टल ब्रेसलेट जो होते हैं उसमें सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है मोन। मैं आपको ना क्रिस्टल्स भी दिखाती जाती हूँ साथ साथ अगर पॉसिबल हुआ तो उससे क्या होगा, अगर आप जेम्सस्टोन नहीं पहन सकते तो क्रिस्टल्स भी अगर आप पहन लेते हो तो वो भी अच्छा काम करता है। ओके, क्रिस्टल ब्रेसलेट में मूनस्टोन या तो होलाइट, मैं लिखती जाती हूँ, आपको ना सारे ब्रेसलेट मेरे इस पर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप कैटलॉग पर या तो स्टेटस पर। होलाइट, यस, आप ऑर्डर भी कर सकते हो होलाइट या मूनस्टोन। ये दो ब्रेसलेट ऐसे होते हैं जो आपका गुस्से को शांत कर सकते हैं। क्रिस्टल फॉर राहु, वुड एलिमेंट, वुड एलिमेंट में कौन कौन से होते हैं? एक तुलसी ब्रेसलेट, या तो कंठी या तो रुद्राक्ष। होलाइट और मूनस्टोन। चैट में नहीं दिख रहा, मैं चैट में लिख रही हूँ। ओके, क्लियर एवरीवन? अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाती हूँ मेरी ही पीपीटी। रुक जाओ, अगर पीपीटी दिख जाए तो हैंड रेस कर दीजिएगा। ये देखो, ये जो होता है ना वो रेड जैस्पर होता है। अभी ये मत शुरू हो जाना कि मैम अपनी एडवर्टाइज करें, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि स्टोन कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ, किसी का मैसेज आया कि मैम कौन सी रेमेडीज होती है तो सिर्फ दिखा रही हूँ, रुक जाओ। ये होता है तुलसी ब्रेसलेट राहु। ओके, ये होता है वेट लॉस के लिए, ये होता है मर्क्यूरी के लिए, ये पीडीएफ मैं एक बार से ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये होता है वीनस के लिए। ओके, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सारी की सारी मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी, डोंट टू वरी, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। प्लीज शेयर पीडीएफ, मैं पीडीएफ ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर नंबर के लिए रेमेडीज बाद में सीखेंगे, पहले फोर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक सीख लेते हैं। ओके, जितने भी लोगों के पास नंबर नहीं है मैं शेयर कर देती हूँ नंबर, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया, इसे सेव कर लीजिए। इसके स्टेटस पर आपको डेली तिथि मिलेगी, डेली राशि मिलेगी और आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट मिलेंगे और अपकमिंग क्लासेस की डिटेलिंग मिलेगी। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पेज पर जाते हो तो इंस्टाग्राम पर आपको मंथली सॉरी मंथली कितने ऑस्पिशियस डेज है उसकी डिटेलिंग मिलेगी और इस महीने में शादी कब कर सकते हो, घर कब ले सकते हो, उसकी डिटेलिंग मिलेगी। तो राहु कैसा होता है? क्रिएटिव होता है, अनकंडीशनल होता है। ओके, ऑलवेज इन कॉन्ट्रावर्सी, मतलब कि कॉन्ट्रावर्सी में फंस जाते हैं, मतलब क्या, ये लोग बोलते कुछ और है, लोग समझते कुछ और है, बेवजह का झगड़ा इन्हीं के सर पर आ जाता है। उन लोगों का कोई भी कसूर नहीं होता पर फिर भी यही लोग पहले फंस जाते हैं। ओके, समझ में आया? फोन नंबर कैसा होता, मिसअंडरस्टूड जल्दी हो जाती, रिलेशनशिप में इन लोगों को प्रॉब्लम होती ही है, वन टाइम तो इन लोगों को चैट चीट हुआ ही होगा किसी के साथ, इनकी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि ब्रेकअप का मतलब डाइवोर्स ही होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपके 1-2 साल पहले के रिलेशन भी टूटे हैं तो मतलब कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यू हुआ है, और फोर नंबर वालों के साथ रिलेशनशिप इश्यू होता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। करेजियस होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, कभी भी ना पीछे नहीं हटते हैं। अगर आपकी मम्मी या आपके पापा भी होंगे ना तो भी ये लोग ऐसे नहीं कहेंगे, अरे बेटा अब हमसे काम कहाँ होगा, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। मैं आपको लिख कर देती हूँ, जितनी मेहनत 4 और 8 वाले नंबर कर सकते हैं ना, उतनी मेहनत और कोई नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि 4 नंबर को पता ही नहीं कि मेरा लोअर बॉडी पार्ट है और मुझे उससे कितना काम लेना है।
ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप इनको ना, अगर आप एम्प्लॉय हो, जॉब करते हो, या तो आप एचआर में हो, और आपको किसी ऐसी फील्ड के लिए कि आपको हार्डवर्क पर्सन चाहिए, तो आप 4 या 8 नंबर वाले को सिलेक्ट करो। आप उनको प्रोजेक्ट दोगे ना, तो वो लोग आपको टाइम से पहले अच्छे से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे। अगर आप स्कूल में हो, आपके फ्रेंड्स है ना, तो देख लेना उनका प्रोजेक्ट ना सबसे पहले फिनिश्ड हुआ होगा। ओके मैम, 3 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए कल हो चुका है। 3 नंबर के लिए एक और पॉइंट बताना भूल गए, 3 नंबर वाले को ना स्पोर्ट्स में कभी इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, अगर उनका डेस्टिनी, अगर उनका सपोर्टिव होगा, 7 या 9 होगा तो। अदरवाइज 3 नंबर, 2 नंबर, ऐसे लोग ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होते। ओके चलो यहां तक क्लियर। 5 नंबर पर बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर यानी कि मर्क्यूरी कहा जाता है ना, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ गए, मैम 5 नंबर ना बहुत अच्छा होता है, हमें इसी का नंबर, मोबाइल नंबर लेना है, हाथ पर लिखना है, उसी को हमें लाइफ में लाना है, कैसे लाए ये बताओ। 5 नंबर आया कहाँ से? पंच तत्व। ओके पंच तत्व आप लोग कहते हो ना, भगवान की जैसी मर्जी। ओके भगवान लिखो, भ ग वो आ नो। भ भूमि, गगन, व वायु, आ आकाश, न नीर, भगवान। 5 तत्व से भगवान का नाम बना हुआ है। ओके प्रमिला जी कह रहे हैं माइंड सन इज 22, आप जो बोलते हो वो करेक्ट रिलेट होता है। देखो ये मैंने प्रिडिक्शन सिखाया है, आप किसी और को बताओगे वो भी करेक्ट कहेगा, तो 2-3 दिन में आप प्रिडिक्शन करना अच्छे से सीख पाओगे किसी की डेट ऑफ बर्थ से। लकी कलर फॉर नंबर 4, ऐसे नहीं होता है, लकी कलर, लकी नंबर, ये इतना इजी नहीं होता है। कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी तो यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल है। ओके 5 एलिमेंट से 5 नंबर बना, इसी 5 एलिमेंट को हम डेली पूछते हैं भगवान। ओके 5 एलिमेंट मतलब कि हमारे सर्जनहार, 5 सेंस। कैसा होता है 5 नंबर? मोटिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा, कम्युनिकेशन में सबसे आगे, क्लेवर, स्मार्ट वर्कर, इंटेलिजेंट, कम्युनिकेटर, लाइक एयरपोर्ट। 5 नंबर वाले को आप घर पर बिठा कर रखो, पागल हो जाएगा, बीमार भी है ना तो उसे 2-3 चक्कर लगाने के लिए बाहर लेकर जाओ, 1 कप कॉफी पिलाने के लिए बाहर लेकर जाओ, उसका मूड ठीक हो जाएगा। ओके 5 नंबर कैसे होते हैं? लाइक एयरपोर्ट मोड। क्यों एयरपोर्ट मोड कहा जाता है? क्योंकि सूर्य के आसपास सबसे छोटा प्लेनेट और सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट कौन होता है? मर्क्यूरी, यानी कि नंबर 5। मर्क्यूरी मतलब कि क्या, जो हमारे, हम जब छोटे थे बीमार होते थे, मम्मी थर्मोमीटर लगाती थी, उसमें वो सिल्वर कलर का रहता था, जिसमें 102 104 ऐसा आता था। ओके क्या होता है? अगर वो पारा जो होता है, अगर आप पारे को किसी चीज में डालते हो, वो कौन सा शेप लेता है? जो भी बर्तन होगा, जो भी आप, जिसमें भी आपने डाला होगा, उसी का शेप ले लेगा, राइट? देयर इज अ नो शेप, मतलब कि ऐसे लोग हर जगह पर एडजस्ट कर लेते हैं, छोटे के साथ छोटे, बड़े के साथ बड़े, मीडियम के साथ मीडियम, हर लोगों के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या आप पारे को पकड़ सकते हो? नहीं। मतलब क्या, इन लोगों को आप बंधन में नहीं बांध सकते। अगर आप बोलोगे कि 9 से 7 की जॉब करनी है, तो ये 2-3 महीना 6ठे महीने पर छूट जाएगी या चेंज हो जाएगी। एक जगह पर जाना, डेली लोगों से, एक ही लोगों से मिलना, यूनिफॉर्म पहन कर जाना, एक ही काम करना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर नंबर 5। अगर आपका छोटा बच्चा है नंबर 5, तो आप उससे एक्सपेक्ट मत करो कि वो 1 घंटा 1 आवर के लिए आपके साथ स्टडी करने के लिए बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। उसे ब्रेक लगेगा every 15 to 20 minutes। उसे ब्रेक में पढ़ाने की आदत डालो, क्योंकि वो लोग एक जगह पर बैठकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के लिए, और थोड़ी चीज सीखते हैं।
एक्शन एंड एडेप्टेबल, लव लवर ऑफ फ्रीडम एंड चेंज, लकीएस्ट नंबर टू बी बॉर्न, क्लेवर एंड स्मार्ट वर्कर, एज अ लाइक अ मर्क्यूरी विच इज नॉट अ स्टेबल मूव्स अप एंड डाउन, सिमिलरली नंबर 5 पीपल डू नॉट लाइक टू सिट आइडियली, इनके पैरों में पहिए लगे होते हैं ऐसा कहा जाता है। एक दूसरी बात बताऊंगी, ये लोग ना मोटिवेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी के घर पर दादाजी या नाना जी या चाचा जी है जो 5 नंबर वाले, आप उनको कहोगे ओके, छोटा बच्चा कोई आकर अगर उनको कहता है कि चलो ना दादाजी हम लोग मूवी चलते हैं, हम लोग बाहर मॉल में जाते हैं, तो और दादाजी होंगे क्या कहेंगे, बेटा अभी कहाँ, अभी हमारी उम्र हो चुकी है, आप जाओ अपने दोस्तों के साथ। और 5 नंबर वाला होगा क्या कहेगा, चलो चलो बेटा चलते हैं, कौन सी मूवी देखने जाना है। पोता कहेगा दादाजी जीन्स पहन लो, जीन्स में आप बहुत अच्छे लगोगे, वो कहेगा चलो बेटा आप बताओ कौन सी पहने। मतलब क्या एडजस्टेबल, जमाने के साथ चलता है, परिवर्तन अच्छा लगता है। वो न मूवी नहीं थी मोहब्बतें अमिताभ बच्चन की, परिवर्तन नहीं चाहिए, और शाहरुख खान कहता है परिवर्तन ही जिंदगी का नियम हो। ओके, तो परिवर्तन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं नंबर 5 वाले लोग। होता है ये किसी के साथ, 4 और 5 से रिलेट कर पा रहे हो आप सभी लोग, हाँ या ना? किसी ने हाँ या ना ही नहीं कहा? यस मैम, देखो अच्छा आप लोग चैट में लिख रहे हो सेम विथ मी, यस 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 ओके। अभी बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर, वेरी मच। नंबर 6 वीनस, शुक्र है, शुक्र है कि शुक्र है, शुक्राचार्य जिसे हम कहते हैं। 6 इमोशंस ऑफ अवर लाइफ, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, एंगर एंड सरप्राइज, कैसे होते हैं 6 नंबर। अच्छा चलिए ये बताया कि आप लोगों ने अभी तक 6 नंबर के लिए क्या सुना हुआ है, लग्जरी मत बोलना प्लीज, मेहरबानी करके उससे आगे बढ़ना थोड़ा सा सेंसिटिव इमोशनल। अभी ये तो 2 नंबर का है, कंसीविंग, मनी नंबर, रोमांटिक, कैरिंग, फ्रेंडली, पॉजिटिव। अभी मतलब मैंने लग्जरी के लिए मना कर दिया, तो जो मन में आया लिखते कर जाओगे ऐसा। अट्रैक्टिव, यस अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। जो भी 6 नंबर वाले लोग होते हैं ना, आप उन लोगों उनको देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कि 2 लोगों की मैं पर्सनैलिटी बताऊंगी, आपको पता ही नहीं है कि उनकी एक्चुअल में एज क्या है। माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, सचिन तेंदुलकर, जरा इमेजिन कीजिए उन लोगों के चेहरे कितने अच्छे हैं ना, उनको देखकर उनकी एज का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बट दे आर अप टू 60, बट फिर भी ये लोग कितने यंग दिखते हैं। तो 6 नंबर वाले लोग अपनी उम्र से हमेशा ही कम दिखते हैं। वाह नीता मेहता, आप भी 6 नंबर वाले हो, आई थिंक सो, गुड गुड ओके। और कौन कौन 6 नंबर वाला, फटाफट से अपना चैट में नाम लिखे ताकि मैं आप लोगों का भी चेहरा देख सकूं। कैमरा ऑन कर दीजिएगा, ओके। सैमसंग जी, अभी मैं आपका नाम और चेहरा कैसे देख पाऊंगी? माई डेस्टिनी 6। आरती जी, आप भी आपने कैमराज ऑन कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों का चेहरा देख सकूं, मेरी भी रिसर्च बढ़ती जाएगी कि यस इट्स ट्रू है कि नहीं। ओके, तो 6 नंबर ऐसा नंबर है जिससे आप आपकी उम्र का उनकी उम्र पकड़ नहीं पाते। ओके, अभी ये बताओ कि कितने लोग 6 नंबर वाले हैं यहाँ पर, सच्ची वाला बता ना। आपकी फैमिली में अगर आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, आपका बेटा है, या तो आप खुद हो 6 नंबर वाले, फटाफट से हैंड रेस करो मैम, मुझे ना आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। क्या आप लोग एवरी वीकेंड पर मॉल में शॉपिंग करने जाते हो? नहीं,
बहुत कम लोगों ने हाँ कहा। ऐसा कोई जरूर नहीं कि लग्जरी ही उनको अच्छी लगती है। ओके, बट 6 नंबर को क्या चाहिए पता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, 6 नंबर हमेशा ऐसा चाहता है कि मेरे घर पर, अभी मान लो कि आपकी वाइफ 6 नंबर वाली है, तो वो क्या करेगी पता है? दिवाली के टाइम पर शॉपिंग करने सहेलियों के साथ नहीं जाएगी, अकेली जाएगी और ऐसी यूनिक यूनिक चीजें छुपा छुपा कर लाएगी, ठीक है, कि लोग आए तो पूछे कहाँ से लेकर आए। मेरा घर, मेरी फैमिली यूनिक दिखनी चाहिए, सबसे अलग दिखनी चाहिए। ओके, तो 6 नंबर कैसा होता है? उनको ना जो चला आ रहा है ऐसा नहीं, कुछ यूनिक करना है। आप उन वो रंगोली भी बनाएंगे ना तो इतने ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी होगी ना कि आपने कहीं देखी नहीं होगी। वो गूगल सर्चिंग भी करेंगे ना तो यूनिक करेंगे। ओके, शो ऑफ करते हैं, पर शो ऑफ कैसा? सबसे हटके मेरे पास होना चाहिए। ओके, 6 नंबर वाली अगर आपकी बेटी है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मान लो कि आपके घर में शादी है और आपकी बेटी का 6 नंबर है, तो वो क्या करेगी? मुझे मनीष मल्होत्रा जैसा लहंगा चाहिए, पर 50,000 वाला नहीं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी चलेगी 5,000 वाले, पर मुझे यूनिक चाहिए जो किसी के पास ना हो, ऐसा चाहिए। देयर आर फैमिली लवर, वो अपना पॉकेट पहले देखेगी कि मेरी लिमिट कितनी है और उस लिमिट में कुछ यूनिक करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? होता है या नहीं होता? लग्जरी और ब्रांड, तब तो जब प्लेनेट बने थे तब ना तो लग्जरी थी ना तो ब्रांड थी, तब क्या था? यूनिकनेस था। ओके, और उसके पीछे भी स्टोरी है। जब हम एडवांस में सीखते हैं तो वो सारी स्टोरी सीखते हैं कि क्यों शुक्र के अंदर ये क्वालिटीज आई। जब बृहस्पति को देवों के राजा बना दिए गए, शिवजी ने उनको वरदान दिया कि आज से तुम देवों के राजा हो, तब शुक्र ने सोचा अगर वो देवों के राजा बने तो मैं दानवों का राजा बनकर दिखाऊंगा, और उसने शिवजी की बहुत ही कठोर तपस्या की थी। तो उसने क्या किया था? रिवेंज किया था, पर पॉजिटिव वे में। मतलब कि यूनिकनेस उसे चाहिए थी, सबसे अलग करना था। वो देवों का राजा बना तो मैं दानवों का बनूंगा, पर कुछ अलग करके दिखाऊंगा। और संजीवनी मंत्र, लोग कहते हैं ना संजीवनी शुक्र पर से, पर एक्चुअली संजीवनी कोई जड़ी बूटी नहीं है, संजीवनी एक मंत्र है जो सिर्फ और सिर्फ शुक्र के पास था, और उन्होंने वो पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तो वो जो तपस्या की थी ना, वो शुक्र ने की थी यूनिकनेस लाने के लिए, कि मुझे कुछ अलग चाहिए, मुझे कुछ अलग करना है दुनिया से, इसीलिए उन्होंने संजीवनी मंत्र हासिल किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो शुक्र होता है ना, उसके पास जो चीजें होती है ना, वो यूनिक होती है। तो अगर जब भी आप कोई चीज सीखो, कोई विद्या सीखो, तो ऐसी सीखो कि आपका हाथ कोई ना पकड़ सके, आपके पास हर चीज के आंसर हो। क्योंकि आजकल न्यूमरोलॉजी हर जगह पर चलती है। आपके पास कोई क्लाइंट आएगा ना, वो आपसे होशियार होगा, वो कहेगा मेरा नंबर ना, मेरा नाम ना 5 नंबर पर है, पर मुझे उसे शुक्र पर लेकर जाना, मैं क्या कर सकता हूँ? वो आपसे कंसल्टेंसी करने नहीं आएगा, आपकी टेस्ट करने आएगा। और तब अगर आप नहीं प्रॉपर आंसर करोगे तो वहां पर आप फेल हो जाओगे। अगर आपको नहीं पता कि शुक्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर आपको नहीं पता कि मर्क्यूरी का जन्म कहाँ से हुआ, अगर आपको नहीं पता कि मून कौन है, यहाँ पर कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मून इट्स अ नॉट अ फीमेल एनर्जी, इज अ मेल पर्सन जिसका नाम सोम है। तो जब हम एडवांस में सीखते हैं ना, तो वो स्टोरियों के साथ सीखते हैं। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको ये बताया जाता है कि 6 नंबर यानी कि लग्जरी, तो जब प्लैनेट बने थे तब तो ना तो कोई मॉल था, ना ब्रांडेड वॉच थी, ना ब्रांडेड मोबाइल था, तो वो यूनिकनेस कहां से? क्लियर माय पॉइंट? ओके, तो 6 नंबर वाले ऐसे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। भले ही आपकी बेटी होगी, उसे पता है कि मेरे पापा की 5,000 रुपया, 5,000 की लिमिट है जो मुझे शादी का जोड़ा दिलवा सके, तो वो यूनिक लेकर आएगी, पर 50,000 वाला यूनिक दिखे ऐसा लेकर आएगी। ऐसा नहीं कि वो जिद करके बैठ जाएगी कि मुझे वो ब्रांड ही चाहिए।
क्लियर? गुड कुक, खाना बहुत अच्छे से बनाते हैं। और एक दूसरी बात जो मुझे 6 नंबर की बहुत ही अच्छी लगती है, 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, उनका घर एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। उनकी जो मेड होगी ना, वो परेशान हो जाती होगी। सबसे ज्यादा चिक-चिक ना भाभी जी की होती है, पूरा घर नीट एंड क्लीन करवाते, इतना भी उनको ना गंदगी नहीं पसंद होती है। अब जहां पर भी कहीं चले जाओ, अगर किसी पर्सन ने अच्छे से उनकी जगह को क्लीन किया हो, वो खुद साफ सुथरा रहता है, उसके अच्छे से आपको उससे ना पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो आप समझ लीजिएगा ही इज अ 6 नंबर या शी इज अ 6 नंबर। ओके, अगर आप बोलोगे आपका बेटा होगा 6 नंबर का, और आप बोलोगे कि जाओ बेटा नीचे से दूध लेकर आओ, तो वह ऐवे ही नहीं चला जाएगा नाइट ड्रेस में। ओके, थोड़ा सा हेयर स्टाइल करके, थोड़ा सा वॉच वॉच पहन के, थोड़ा सा चश्मा वश्मा लगा के फिर जाएगा। दो लोग पूछने चाहिए हु आई एम। ओके, जब देवों के देव बना दिया गया बृहस्पति को, तो मैं दानवों का गुरु बनूंगा, मेरी भी वाह वाह होनी चाहिए। वहां से आया था ये गुरु। क्लियर? सात नंबर कहाँ से आया? 7 नंबर केतु, रिसर्च। सात सुर, सप्त ऋषि, 7 कलर। ओके, केतु डज नॉट हैव अ ब्रेन, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मन है। दे लाइक टू ट्रैवल, उनको ना घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है। रेडी फॉर अ चेंज एंड वर्सेटाइल। ओके, 7 नंबर वाले को लिख कर ले लो कि इनकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चीट हुआ होगा, बहुत बड़ी अमाउंट पर, लाखों में उनके पैसे गए होंगे। हाँ या ना? पूछो, मुझे कैसे पता चला? मैंने किसी में नहीं बोला, सिर्फ 7 में ही ये लाइन बताई, और बहुत सारे लोगों ने बोल दिया, धोखा खाते हैं। पर मैंने मनी के लिए क्यों बताया? रिलेशनशिप वाला मैंने 4 में बताया, पर 7 नंबर में मैंने मनी के लिए क्यों बताया? ओके, क्योंकि 7 नंबर वाले के पास ना ब्रेन नहीं है, वो दिल से सोचते हैं, दिल से करते हैं जो भी करते हैं, और उनका जो मन होता है ना, बहुत ही साफ सुथरा और प्योर होता है। आप उनके पास चले जाइए, सर जी आज मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, 10,000 रुपए दे दीजिए। वो बेचारा हंसते हंसते आपको दे देगा। दूसरी बार जाएंगे, सर जी वो पिछला ना मैं आपको हिसाब चुकता कर लूंगा, बट इस बार भी मैं अपना घर नहीं चला पा रहा हूँ, प्लीज मुझे इस बार ना 10,000 रुपया और दे दीजिए, मैं 7 में लौटा दूंगा। वो बेचारा 20 दे देगा, फिर आएगा कि सर जी मेरी वाइफ को ना हॉस्पिटल एडमिट किया हुआ है, प्लीज मुझे अभी 1 लाख रुपए की जरूरत है, प्लीज दे दीजिए ऑपरेशन के लिए। वो दे देगा, और खुद बेचारा मांग भी नहीं पाएगा कि पिछला हिसाब दे दो। वो बेचारा कहेगा 7 नंबर वाला क्या करे, अभी उसकी वाइफ हॉस्पिटल में, इससे थोड़ी ना वाइफ पैसे मांग सकते। ओके, 7 नंबर सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। 7 नंबर के लिए अगर प्रैक्टिकल रेमेडीज बताऊं, तो एक ही है कि फाइनेंशियल मेथड ना आप खुद हैंडल मत कीजिए, उसमें किसी को इन्वॉल्व रखिए, किसी का डिसीजन लीजिए, किसी से डिस्कस कीजिए। ओके, और 7 नंबर वाले हो आप और रेमेडीज करना चाहते हो, तो डॉग्स को बिस्किट खिलाइए, बहुत अच्छी रेमेडीज है। और इन लोगों का ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, तो टाइगर आई ब्रेसलेट पहनिए। मैं आपको उसके भी डिजाइन एक बार से दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया उसकी डिजाइन होती है। अगर आपको स्क्रीन दिख जाए तो बताती हूँ, देखो ये ना टाइगर आई होता है। ओके, तो ये क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाता है। ओके, पार्ले जी ने, मैंने बिस्किट खिलाने को कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि आप पार्ले जी खिलाइए, कोई भी बिस्किट आप खिलाइए, या तो दूध या रोटी खिलाइए। ओके, या तो मैरी खिलाए, पर खिलाइए। ओके, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मैं हिंदी बोल रही हूँ। ओके, कास्ट
कॉस्ट मैं आपको पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी, जिनको भी चाहिए एक बार से देख लीजिएगा आराम से, बहुत सारे ब्रेसलेट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट बताऊंगी तो कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, इससे अच्छा है जिनको भी चाहिए मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके। नाउ नंबर 8, मीठे बिस्किट से डॉग्स को। अरे भाई मैंने नहीं कहा कि आप पार्ले जी खिलाओ, मैं ये बोल रही हूँ आप बिस्किट्स खिलाओ, मैरी खिलाओ, दूध रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ, ओके जो भी आपका मन करे आप डॉग्स को खिलाओ। चल अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। गुड ऑब्जर्वर होते हैं, अगर 7 नंबर आप इस फील्ड में आते हो, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, तो आपके लिए ये वरदान समान होता है, क्योंकि अकल्ट फील्ड में 7 नंबर वाले को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आप 7 नंबर वाले को बोलोगे ओके कि आपको कल मंदिर जाना है, तो वो इतना जल्दी नहीं जाएगा। पर अगर आप उनको ये बोलोगे कि कल अमावस्या है और वहां पर मंदिर जाकर एक दिया करने से, शिव जी के सामने दिया करने से आपकी विश पूरी होती है, तो वो पहले जाएंगे। मतलब क्या, दे बिलीव ब्लाइंडली इन अकल्ट फील्ड, इन स्पिरिचुअल फील्ड। उनको बहुत अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, उनको बहुत अच्छा लगता है गूढ़ रहस्यों के बारे में जानना। वो लोग कभी भी इफ किंतु परंतु बट नहीं करेंगे, वो लोग ट्रस्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जिसका नाम है शनि महाराज। देखो शनि जो होता है कहाँ जाता है, हमारे अष्ट भैरव, 8 नंबर से 8 नंबर, यानी कि स्ट्रगल, डिलेस, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है, टफ एंड टेंडेंसी होती है, जजमेंटल होते हैं, गुड पब्लिक स्पीकर होते हैं, सिंपली एंड हार्ड वर्कर होते हैं। 8 नंबर जो होता है वो कैसा होता है, इन्फिनिटी का नंबर, ऐसा होता है। देयर इज नो एनी स्ट्रेट पॉइंट, मतलब क्या, ये लोग ऐसे होते हैं, कर्व होता है, मतलब लाइफ टाइम इनको मेहनत करना है। 8 नंबर वालों की लाइफ ना 2 पार्ट में चलती है, कैसे, फर्स्ट पार्ट में अगर आपने मेहनत कर ली तो सेकंड पार्ट में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर फर्स्ट हाफ में आपने एंजॉय किया, पापा के पैसों पर ऐश कर दिया, तो सेकंड हाफ पर मेहनत करनी पक्का है। गुड लक इनको तभी मिलेगा जब वो फर्स्ट हाफ में मेहनत करेंगे। क्यों, क्योंकि जब शनि देवता दरबार छोड़कर जा रहे थे सूर्य का, तब वो रास्ते में ना पसीने बहाते जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे जितने भी लोग ऐसे पसीना बहाएंगे ना, मैं उनको मालामाल कर दूंगा। और ये एक ही प्लेनेट है जो इसी जन्म में आपको आपके किए का फल देता है। अच्छा किया होगा तो अच्छा देगा, खराब किया होगा तो खराब देगा, पर देगा जरूर। क्लियर माई पॉइंट? 8 नंबर जो होता है वो आपको रिजल्ट देता है आपके किए कर्मों का। 17 नंबर, जैसे कि चलो मैं आपको कुछ चेहरे ऐसे बताऊंगी जिनको आपको बताना है कि उनको पहले सक्सेस मिली थी या अभी। नरेंद्र मोदी सर, कल्पना चावला और शिल्पा शेट्टी, उनको सेकेंड हाफ में सक्सेस मिली या फर्स्ट हाफ में, कौन बताएगा? सेकेंड सेकेंड सेकेंड, सभी लोगों को ये होता है। 8 नंबर, पहले पार्ट में मेहनत कर लो, पहले हाफ में मेहनत कर लो, दूसरे पार्ट में आपको सक्सेस मिलेगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी, होता क्या है कि मान लो कि कहीं पर किसी को ना पानी नहीं आ रहा किसी की बिल्डिंग में, और उसे बोरिंग करवाना है, तो उसने किसी प्लम्बर को बुलाया कि भैया यहाँ पर ना आपको 2 फुट का खड्डा करके बोरिंग बनवाना है। तो वो बेचारा प्लम्बर ने 2 फुट खड्डा कर दिया, फिर देखा पानी नहीं है, उसने कहा कि एक और फुट करके देखो, शायद नीचे से और पानी निकल जाए। उसने 1 फिट और किया, फिर भी पानी नहीं निकला, फिर कहा एक लास्ट टाइम एक ट्राई कर लो, 1 फिट और कर लो, शायद निकल जाए। 4 फिट का खड्डा कर लिया, फिर भी पानी नहीं निकला, उसने कहा अभी ठीक है चलो नहीं निकला तो और कुछ नहीं कर सकते, जैसा था वैसा पैक कर दो। बस थोड़ी सी मेहनत करने के देर से 6.5 फट पर पानी था। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, सक्सेस ना थोड़ी सी ही दूर होती है और वो लोग हार मान देते हैं, और भगवान इनसे ना एक्स्ट्रा मेहनत करवाते हैं।
क्योंकि सूर्य ने इनका साथ नहीं दिया है। क्लियर माई पॉइंट? समझ में आया 8 नंबर कैसा होता है? आप लोगों को लगता है 3 दिन में क्लास फिनिश्ड होगी? एक और दिन पढ़ोगे? एक ना बोल दो तो मैं क्लास फिनिश कर दूं। ठीक है, करेंगे और भी सीखेंगे। ओके, तो आज बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 किसका होता है? नव अवतार माँ नव दुर्गा। यहां से हमें याद आया, कल शाम को 5 बजे हमारी नवरात्रि स्पेशल क्लास है। जिनको भी नवरात्रि की पूजा विधि रेमेडीज जाननी है, 5 बजे अटेंड करना ना भूलिएगा। कल 5 बजे नवरात्रि स्पेशल क्लास होने वाली है। ओके, नाइन दुर्गा नव दुर्गा का रूप होते हैं। नाइन इट्स अ प्लैनेट ऑफ मार्स। कैसे होते हैं? एज अ सोल्जर, एज अ सैनिक। हमारे सैनिक कैसे होते हैं? देश के लिए जान दे भी सकते हैं, और वक्त आने पर देश के लिए दुश्मनों की जान ले भी सकते हैं। मतलब जिसको भी अपना मान ले उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। राम एंड हनुमान जी। चलो ये बताओ, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन थे, राम जी या हनुमान जी? ताकतवर कौन थे? हनुमान जी। पर उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ओके, हनुमान जी ने हमेशा ही अपनी शक्तियों को राइट वे में यूज किया हुआ। जैसे कि बाहुबली एंड कटप्पा, तो कटप्पा जो है इट्स लाइक अ 9 नंबर, हनुमान जी जो है इट्स लाइक अ 9 नंबर, यानी कि इनके अंदर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, पर इसे वो लोग अच्छे कामों में यूज करते हैं। इनकी जो भी फिगर होगा ना, 9 नंबर वाले जितने भी यहाँ पर हो गए, उनका जो स्ट्रेंथ होगा, जो बॉडी होगी ना, वो मस्कुलाइन एनर्जी जैसी होगी। वो कभी भी नाजुक नहीं दिखेंगे आपको। 9 नंबर वाले ना आपको कभी भी डेलिकेट नहीं दिखते, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखती है आपको, बोल्ड दिखते हैं आपको, बिंदास होते हैं। और 9 नंबर वाले अगर आपके घर में बच्चा है तो समझ लीजिए, लिख कर ले लीजिए कि उनके स्कूल बैग्स में से कुछ ना कुछ चीजें गायब होती रहेगी। मतलब दोस्त को देकर आएंगे घर पर, बताएंगे नहीं मेरे दोस्त ने आज टिफिन नहीं ले आया था, मैंने उसे खाना दे दिया, पेंसिल नहीं ले आया था, मैंने उसे पेंसिल दे दी, बॉटल नहीं ले आया था, बॉटल दे दिया, कोई बिना चप्पल के जा रहा है, चप्पल देकर आ गए। और इनकी बॉडी में ना, अगर आप उनका हाथ पकड़ोगे, आपको इनकी बॉडी में ना थोड़ा सा हीट लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे उनको फीवर आ रहा है, और उनकी बॉडी जो होती है वो ऑलरेडी हीट होती है, गर्म होती है। ओके, थैंक यू सो मच सुभाष सर। तो ये लोग कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, फैमिली लवर, ह्यूमन कट, दया भावना बहुत अच्छी होती है। 9 नंबर के लिए एक ही रेमेडीज है कि जो आपने, भगवान जी ने आपको जो स्ट्रेंथ दी है उसे सही जगह पर यूज कीजिए। अगर ये लोग योगा, मेडिटेशन, अगर ये लोग फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, तो इनकी जो बॉडी होगी, मैं सॉरी, उनका जो रिएक्शन होगा कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंटिव होगा। क्यों? भगवान ने इनको बहुत ज्यादा एनर्जी दी है, अगर वो लोग उसे चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो उल्टी जगह पर निकलेगी। उल्टी जगह मतलब कि अग्रेशन बढ़ेगा, इन लोगों का गुस्सा ज्यादा होगा, बात बात पर मारने की बातें करेंगे। तो इनके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडीज क्या है? जिम करो, वॉक करो या योगा करो, 3 में से एक की हैबिट डालो, अदरवाइज इनका गुस्सा कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। क्लियर माय पॉइंट? भगवान ने इनको बाय बर्थ, बाय बॉर्न स्ट्रेंथ देकर भेजा हुआ है।
ऑलवेज रेडी टू हेल्प, हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, सेल्फलेसनेस, फॉरगिवनेस, जेनरस, टॉलरेंस, ब्रॉड माइंडेड, चैरिटेबल होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है, हाई मोरल होते हैं इन लोगों की लाइफ में, राइटर, आर्टिस्टिक्स, फिटनेस फ्रीक, गुड हेल्थ, बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, आज कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आप सभी लोगों को? कितने लोगों ने मेरी बात से रिलेट किया, सिर्फ इतना बता दीजिए। और अगर आपको कुछ मन करे कि नहीं मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, हमने बहुत सारी चीजें आज सीखी, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, तो एक लिंक शेयर करूंगी, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, रेटिंग देना चाहो तो रेटिंग, रिव्यू देखना देना चाहो तो रिव्यू जरूर से दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। बस ये सारी चीजें ना कॉपी पेस्ट कर दीजिए लिंक पर, मैं समझूंगी आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी पक्का, कल की भी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पर है, मैं वापस से सारी रिकॉर्डिंग दोनों 2 दिन की लगा दूंगी। 4 नंबर के लिए, सक्सेस के लिए एक ही रेमेडीज है, वुड एलिमेंट धारण कीजिए, क्रिस्टल्स एंड रुद्राक्ष ब्रेसलेट आता है वो धारण कीजिए, या तो तुलसी ब्रेसलेट धारण कीजिए। जितना वुड एलिमेंट से जुड़ोगे ना उतना ही आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, जितने भी लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट है वहां पर जाकर रेटिंग दे दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए, मैं समझूंगी आप लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया। यूट्यूब का लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, कल की ऑलरेडी वीडियो लग चुकी है, आपको पीडीएफ देखने में शो कर देती हूँ आपको। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है नहीं समझ में आया तो जरूर से पूछिएगा। नाइन नंबर को क्या पहनना चाहिए? 9 नंबर के लिए होता है कालीनियन। अगर आप 4 नंबर वाले हो, तुलसी या रुद्राक्ष ब्रेसलेट पहन, तो फिर उसके बाद आप नॉनवेज या ड्रिंक नहीं कर पाओगे। इंस्टाग्राम का मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, जहां पर आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी, डिटेलिंग इन द सेंस कि वहां पर बहुत सारी अफर्मेशन की वीडियोस आपको मिलेगी। ऐसी रिपीटेड नंबर 1111 भारती जी, अगर आपको 11 नंबर बहुत बार दिखाई देता है, दैट मींस कि आपकी लाइफ में ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है। अच्छा, रुद्राक्ष कितने का मिलेगा? आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगी, आप अगर हमसे कोई भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करते हैं, चाहे वो एक पैकिंग में आप एक ऑर्डर करो या 5 करो या 10 करो, बट हर पैकिंग पर आपको, ईच पैकिंग पर आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा। ओके, रुद्राक्ष कोई भी आप वेयर करो, रुद्राक्ष या तुलसी, इट्स अ गुड वुड एलिमेंट। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कैमराज ऑन कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन ले पाऊँ। बिना कैमराज ऑन किए? यस माधवी मैम। मैम मैम आपने बहुत अच्छा बताया। 4 और 9 से मैं बहुत रिलेट करती हूँ कि आपने जो बताया वाकई में वो चीज है। गुस्सा भी बहुत आता है, पर रेमेडी आपने बहुत अच्छी बनाई कि शीशे के सामने खड़े होके और अपने को अच्छा बोलना और गुस्से को वो करना है, तो मुझे भी बहुत जल्दी आ जाता है। मतलब किसी का बर्दाश्त नहीं होता गलत चीजें। तो मेरा ओके, भाग्यांक 4 है, मूलांक 9 है, तो दोनों रिलेटेड होता है। तो मैंने जैसे ये 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा पहन रखा है इसमें, तो राइट। फिर भी मेरे को ना मतलब रात भर थॉट बहुत चलते हैं मैम, इसके लिए क्या करूं? मुझे नींद नहीं आ पाती फिर। आप 4 और 9 नंबर वाले हो तो ऐसे ही होगा ना मैम, घर में आप ही की चलती है ना। हाँ चलती तो है, बट कभी कभी लगता ना कि क्या करूं मैं, कैरियर के लिए क्या करूं मैम, जैसे किससे अर्निंग हुए, अर्निंग के पीछे मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। देखो, उसके लिए ना मैं, अगर जब कंसल्टेंसी की क्लास होगी ना तब आप आइए, तब मैं बता पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए ना पूरी प्रॉपर कंसल्टेंसी करनी पड़ती है। अच्छा, मेरे उसमें मिसिंग है 8 1 6।
बाकी सारे हैं। मैंने पता है ना, मैम बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी पता होता है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, कुंडली क्या है, बट सीखने का अलग तरीका होता है मैम। 816 अगर तीनों नंबर मिसिंग है तो तीनों की रेमेडीज करने की कोई जरूरत नहीं होती। जी ओके, उन्हीं की रेमेडीज करनी चाहिए जो आपके लिए अच्छे नंबर होते हैं। हमें 9 और 4 पे फोकस करना चाहिए नहीं मैम, इट्स अ डिफरेंट थिंग्स, वो पूरा एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा, या तो आप कंसल्टेंसी में आइए। मैम। अच्छा मैम एक हेल्प कर दीजिए कि मैं कैरियर क्या चुनूं, एनजीओ से जुड़ी हुई हूं अभी मैं। तो अच्छी बात है ना मैम, आप 9 नंबर हो तो एनजीओ से तो जुड़ोगे ही। हाँ तो अर्निंग फिर भी एनजीओ में क्या देना ही पड़ता है, तो फिर वो लाए कहाँ से देने के लिए, हेल्प करने के लिए धन कहाँ से लाए। उसके लिए भी तो कुछ करना ही मैम पड़ेगा। आप हाँ एनजीओ से जी जुड़कर हनुमान चालीसा कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मैम, मैं दुर्गा जी का भी पढ़ती हूँ, हनुमान जी का भी करती हूँ, दोनों करती हूँ। आएगा मैम, धीरे धीरे आएगा, आप कंसल्टेंसी में आइए एक बार से। थैंक ओके मैम, बहुत अच्छा पढ़ाया मैम यू। आपने। 5 की मैम आप पीडीएफ भेजेंगी ना ग्रुप में, मुझे 5 का मिस हो गया था, 5 का और 8 का पीडीएफ मेरा। आपको क्रिस्टल्स की मिलेगी। अच्छा ये जो अभी आपने पढ़ा ये तो यूट्यूब में आएगा ना आज का? हाँ तो हाँ, ये यूट्यूब पर आ जाए। यूट्यूब में देख लूंगा। मैंने आपको 5 स्टार दे दिया मैम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं कल। कल हम बहुत सारी चीजें और भी सीखेंगे कि आपके ग्रिड में भगवान का वो क्या क्या प्लेसेस क्या होंगे उसके बारे में हम डिस्कस क्या करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज का क्लास बहुत ही अच्छा रहा और ये आपको यूट्यूब पर कल मिल जाएगा। थैंक यू।